गाइस वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज ड्रॉ करने वाले हैं लॉर्ड शिव जी को। तो यहाँ पर मैं ग्रिड मेथड से आउटलाइन को ड्रॉ करूँगी इस वीडियो में, और आप लोगों को रेफरेंस फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रूस्टो पेपर, A4 साइज पेपर। तो चलो ग्रिड को बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का एक स्केल ले लेना, और स्केल में 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के इस तरीके से मार्क कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से ऊपर की तरफ। और अभी नीचे की तरफ भी सेम तरीके से करना होगा। और इस तरीके से मार्क करने के बाद ऊपर नीच दोनों मार्क के बराबर लाइन ज्वाइन कर देना होगा जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो वर्टिकली अभी लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से ही मार्क करना होगा 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के। देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और अभी नीचे की तरफ भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के मार्क कर लेना होगा। और मार्क हो जाने के बाद सेम आगे का प्रोसेस ही है, दोनों मार्क के बराबर लाइन ज्वाइन कर देना होगा। और कुछ इस तरीके से आप लोग पेपर पे ग्रिड को बना सकते हो। तो इस तरीके से ग्रिड हो जाने के बाद हर एक बॉक्स के ऊपर नंबरिंग कर लेना। तो ऊपर की तरफ होगा 11 बॉक्सेस और इस साइड पे होगा टोटल 15 बॉक्स। तो अभी देख सकते हो टोटली ग्रिड हो चुका है। तो अभी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो चलो अभी इसमें ड्रॉ करते हैं। तो पहले आई से ही स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर आई है ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 6 करके, यहाँ पर 6 नंबर बॉक्स से स्टार्ट होती है। तो आप लोगों को बस ऐसा करके ही काउंट कर लेना होगा कि कौन सा बॉक्स से आई स्टार्ट होती है। तो चलो अभी देखो मैं किस तरीके से पूरे आउटलाइन को बनाती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू। और हाँ, आउटलाइन करते वक्त धीरे धीरे से ही करना, रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना कि कौन सा बॉक्स में कौन सा पार्ट है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देख देख के ड्रॉ करना होगा आउटलाइन।
गाइस आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और कमेंट करना कि इस ड्राइंग को मैं कौन सा मीडियम में कंप्लीट करूं, कौन सा मीडियम में कलर करूं, वो भी कमेंट करके बताना मुझे।